सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉक में और केदार घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से और केदार घाटी के खूबसूरत गांव तुर्जी गिनारा गांव से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 10 बजे से हो रही है। आज मौसम की बात की जाए तो सामने वाली पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है और सामने जो त्रिभुजाकार आकृति के जो पहाड़ है ना, वो हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सामने धुंध लगी हुई है और कल से लगातार बारिश होए जा रही है और ना धूप बिल्कुल भी नहीं लगी। और यहाँ पे जेठी माँ लोगों का किचन गार्डन था। अब देखिए यहाँ पे वो है, सिर्फ सामान वगैरह है, मेटेरियल वगैरह डाल रखा है यहाँ पे, ये देखिए। बाकी यहाँ पे जो सगोड़ा है वो भी जेठी माँ ने शायद खाली कर दिया है और यहाँ ऊपर पर ना काम लगा हुआ है, मिस्त्री लोग भी आ गए हैं। बाकी अभी चलते हैं जेठी माँ के पुराने वाले लकड़ी वाले किचन में और आप लोगों को पता होगा कि जेठी माँ आजकल यहाँ बना रही है खाना, मिस्त्री लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत पहले ना जब बारिश के टाइम ना वहाँ पर टूटा उस दिन ना यहाँ पर ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हुआ घर ही के, मतलब किचन के ही बगल में। उस दिन ऐसा हुआ कि किचन सही सलामत रहा, नहीं तो पत्थर काफ़ी सारे आ रखे थे, लगता है ताऊ जी ने वो ऊपर डाले पत्थर वगैरह, और जिसके कारण जेठी माँ वहाँ खाना नहीं बनाती है, वहाँ सिर्फ लकड़ियाँ वगैरह रख रखी है। नहीं जेठी माँ वही तो बार बार बची, बार बार उस दिन मेरी मम्मी के साथ कर रही थी बात, आधा पीछे आए आधा आगे आए। बाहर आया मेरे बार मन पूरा तीन टूना गया। वही तो, पीछे ना लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी जेठी माँ लोगों की, लेकिन उस दिन वो भी टूट गया। फिर जेठी माँ लोगों ने लकड़ियाँ किचन में रख रखी है, तो अब आग जलाते हैं वहाँ। आग जगा लून पीसा काकड़ी गाड़ा लून। हाँ, लोग काकड़ी खाने आओ, क्योंकि जेठी माँ लोगों की काफी सारी ककड़ियाँ लगी हुई है। कुछ जेठी माँ सोमप्रयाग देती हैं, कुछ हमेशा लंच के टाइम वो करती हैं, खाते हैं सलाद में। तो चलते हैं अब नीचे लकड़ी वाले किचन में। बाकी यहाँ ठीक सामने है झंगोरे का खेत, जब काफी खूबसूरत लग रहा है। बाबरे फटाफट चलते हैं क्योंकि काफी जोरदार बारिश आ रही है। बाकी यहाँ पे देखिए एक राजमा है और इस पे देखिए काफी सारी राजमाएं लगी हुई हैं, पत्ते कम और राजमा ज्यादा है। तो चलिए जी, ये रहा जेठी माँ लोगों का किचन लकड़ी वाला, और यहाँ ऊपर देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं और कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और एक स्पैल्टी भी रखी हुई है। और यहाँ पे दीदी सफाई कर रही है क्योंकि काफ़ी दिनों के यहाँ खाना नहीं बनाया, क्योंकि बरसात की वजह से नहीं बनाया क्योंकि ऊपर से टूटा ना, तो इसलिए उस दिन से डर गई जेठी माँ। तो दीदी यहाँ पे सफाई कर रही है। तो दीदी ने अपने लकड़ी वाले किचन में अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी है और जो भी यहाँ अंदर बिछाए हुए रहते हैं ना कम्बल वगैरह, तो यहाँ पे बिछाएंगे, फिर यहाँ पे आग जलाएंगे। माँ का जो किचन है ना, तो वो लकड़ी और टीन से बना हुआ है। बाकी पीछे की जो लकड़ियाँ थी ना, वो जेठी माँ ने अंदर रख दी हैं। और बाहर ना देखिए भाई, मिर्च की पौधे भी लगा रखी हैं जेठी माँ ने इधर इधर की साइड, और अभी इन पे मिर्च नहीं लगी हुई है, सिर्फ अभी इन पे फूल लगे हुए हैं। अब लगेंगी इन पे मिर्च, और ऊपर की साइड भी एक पौधा है और यहाँ नीचे की साइड भी, और यहाँ पे देखिए टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं और छोटे छोटे ककड़ियाँ भी लग रखी हैं फुरली, और यहाँ पे देखिए टमाटर भी लग रखे हैं काफ़ी सारे, ये देखिए दो टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी सारे अभी लग ही रहे हैं छोटे छोटे। बहुत सारों का कमेंट रहता है भाई कि प्लास्टिक से आग नहीं जलानी चाहिए, पर अभी कोई जुगाड़ नहीं है तो इसी से जलाना पड़ेगा।
अभी दीदी ना सगोड़े से, दीदी क्या लेके आई हो? ककड़ी लेके आई हूँ। अच्छा, ठंडा है पर कोई नहीं यार, ककड़ी खाने का मजा ही कुछ और रहता है। वही तो। हाँ, मैंने सोचा अभी वहाँ से लाई ना मैं, हाँ। तो यहाँ पे मम्मी देखे हुए मिर्च भी लेके आई है, हरी मिर्च छोटी छोटी। इसको भी हम नमक पीसेंगे आज, आपके साथ नमक की रेसिपी शेयर होगी। हाँ, तो दीदी ला गई है यहाँ पे ककड़ी, बाकी यहाँ पे देखिए जेठी माँ नमक भी लेके आ गई है, साथ में ये दो तीन छोटी छोटी हरी मिर्च, इसके साथ और भी डालेंगे हरी मिर्च। तो ये रहा भाई पहाड़ी सिलवट्टा, और हमारे यहाँ जो सिलवट्टा है ना वो काफी बड़ा है, और यहाँ पे छोटा सा है जेठमा लोगों के। लेकिन कहाँ से लाए तुम ये सिलवट्टा इतना छोटा? पापा ने बनाया मेरे साथ। अच्छा, तो ताऊ जी ने बनाया, और कई लोगों का कमेंट रहता है कि आप ताऊ जी क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो भाई? बस हमारे यहाँ बोलते है, रिश्ता ऐसे लगता है ना हमारे यहाँ। और कई लोग बोलते हैं कि माँ की बहन को और मौसी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, माँ की छोटी बहन को बोलते हैं मौसी, और बड़ी को जीठी माँ बोलते हैं। हाँ, जैसे दीदी ना मेरी मम्मी को मौसी बोलना है, क्योंकि ना मेरी मम्मी ना जेठी माँ से छोटी है, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे देखिए भाई जेठी माँ ने ये भी डाल रखा है, साथ में धनिया हो गया और जीरा, ये देखिए ये धनिया है और ये जीरा है। तो चलिए जी पीसते हैं, बाकी इस पे ना मिर्च वगैरह लगी हुई है, क्योंकि जेठी माँ ने शायद मसाले वगैरह पीसे होंगे, तो यहाँ पे लगे हुए हैं सिलबट्टे पे मिर्च लगी हुई है। और यहाँ ना लकड़ी वाले किचन में मेरे को एक और चीज दिखाई दी, वो है ये हल्दी की माला, शायद ये मेरी मम्मी ने दी है, ये देखिए। और हल्दी भी डालेंगे हम पीसे हुए नमक पे, और शायद इस पे पता नहीं क्या है, इस पे शायद लहसुन वगैरह होगी। और यहाँ ऊपर जेठी माँ ने देखिए लहसुन रखी हुई है, तो लहसुन ऐसी ही जगह पर रखी जाती है जिससे कि लहसुन ख़राब ना हो। तो ये देखिए, तो लहसुन निकालते हैं नमक पीसने के लिए, तो ये ले भाई। नमक इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है ऐसे ही खाना था ना दीदी। पीसते बहुत खुशबू आ रही है, घर का सब ऑर्गेनिक है ना, वही तो बहुत स्वादिष्ट होता है। नमक को छोड़कर सब चीज घर का ऑर्गेनिक है, तो स्वादिष्ट ककड़ी और नमक का आनंद लेंगे। बाकी दीदी खूब जोर लगा नमक पीसते टाइम, तो लगा ही रही भाई। तो दीदी ने देखे भाई पहाड़ी नमक भी पीस के तैयार कर दिया है, बाकी ना जेठी माँ ने भी पूरा काम कर लिया है घर का, सफाई से लेकर बर्तन से लेकर, और जेठी माँ को ठंडा लग गया है, आदत पड़ गई ना प्लान से खाना बनाने के। वही तो अलग खाना बनाने के गैस में। हाँ, आदत पड़ गया। लकड़ी वाले की जन्म बहुत दिनों बाद आग जलाई, जेठ माँ को ऊपर से डर भी लगा कहीं टूटे ना वाल। टीम के नीचे हार दिया, हंस रही है, क्यों हंस रही? मम्मी को डर लग रखा है ना पहले ही, कि जब वहाँ ऊपर टूटा था मम्मी यहीं पे थी, तो मम्मी अचानक बाहर गए, सारा मलबा अंदर, मम्मी अंदर, मम्मी तो उस दिन रोने के लिए वही तो फोन कर रही है भाई, मेरी मम्मी थी फोन पे। हाँ, मुझे भी कह रहा फोन उसके बाद कि हाँ टूट गया, मतलब तो पूरा मलबा, वैसे ना यहाँ पीछे इतना बड़ा पत्थर आ रखा, टीम के ऊपर आता ना तो हो गया था बराबर, होता हो गया। तो जेठी माँ काफी मजा आ गया है भाई। चले जी, अब इसके बाद ककड़ी को अच्छे से मैं काट लेते हैं। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच लेते हैं स्वादिष्ट ककड़ी और पीसे हुए नमक का मजा। तो जेठी माँ कैसी हो रही है ककड़ी? बहुत अच्छी। दीदी कैसी हो रही है? टेस्टी। पानी आ रहा है मुंह में नमक को और ककड़ी को देखकर। हाँ,
तो यहाँ नीचे रोड से ना काफी लंबा ट्रैफिक लग गया है, तेजीनारायण दर्शन के लिए आ रखे होंगे यात्री, तो काफी लंबा लग गया है भाई जाम यहाँ पे। स्वादिष्ट ककड़ी का आनंद लेने के बाद अभी काफ़ी ज़ोरदार बारिश लग रही है और अब चलते हैं ऊपर क्योंकि लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो जेठी माँ लंच बनाएगी। तो पहले ना यहाँ पे रखी हुई रहती थी जेठी माँ ने लकड़ियाँ, लेकिन अब देखिए पूरा यहाँ तक मलबा आ रखा है। तो अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि उस दिन किचन नहीं टूटा, जो पत्थर वगैरह थे ना तो यहाँ पे आए। बाकी यहाँ सामने है सगोड़ा और ठीक यहाँ नीचे है रोड जहाँ पे की यात्रियों की काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। और यहाँ पीछे देखिए भांग के पौधे हैं और कद्दू की कुछ बेलें हैं, राजमा की बेलें हैं। और ठीक यहाँ नीचे ना लोगों के मंडुए के खेत, झंगोरे के खेत हैं। लेकिन यहाँ देखिए भाई अभी मंडुआ पका नहीं है उतना, अभी धीरे धीरे पक ही रहा है। और ना जेठीमा लोगों ने भी अभी ना खेत का काम स्टार्ट नहीं किया है, जेठीमा लोगों का भी ना मंडुए की लवाई करनी बाकी है। और आज सोचा था लेकिन आज बारिश रही जिससे कि हम मंडुए की लवाई नहीं कर पाए। तो देखते हैं जिस दिन अच्छी धूप लगेगी उस दिन मंडुए की लवाई करने के लिए होता है। वैसे तो जेठीमा को घर में काफ़ी सारे काम हैं, घर में जो मिस्त्री लोग लगे हुए हैं उनके लिए चाय पानी भी देना होता है टाइम पर और खाना भी बनाना होता है, तो चाय पानी और लंच बनाना है तो आसान ही है भाई। सिर्फ बोलने में आसान लेकिन करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा भी घर में काम रहा तो इसलिए मुझे पता है कि कितनी आफत आती है जब घर में काम लगता है तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जेठमा ना यहाँ लकड़ी वाले किचन में क्यों नहीं बना रही है खाना, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब से यहाँ पीछे ही मतलब पूरा मलबा मतलब पोस्ता टूट के आया ना, खेत का जो पगार होता है वो लगाया हुआ रहता था लोगों का, जब से वो नीचे टूट के आया ना तब से जेठमा यहाँ खाना नहीं बनाती है, तब से गैस वाले किचन में बनाती है। तो मतलब उधर की साइड है कि एक कमरा, तो वहाँ जेठमा लोगों ने अपना गैस वगैरह सेट कर रखा है, तो वहीं अपने लिए खाना लंच डिनर वगैरह वहीं बनता है। और यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ वगैरह रख रखी है, तो सर्दियों के टाइम यहाँ बनाएंगे खाना, फ़िलहाल अभी वहीं, और फ़िलहाल अभी काम भी चल रहा है। तो अभी जेठमा ना लंच बनाने की तैयारी करने लगी है। जेठमा ने यहाँ पर चावल भी निकाल दिए हैं, सबके लिए बनेगा खाना। जेठमा साग क्या बन रहा है? दाल। हाँ वो बोलते हैं कि दाल बना, अजीठमा ने बोल भी दिया था कल कि कद्दू बनाते हैं लेकिन उन्होंने मना किया, बस उनको बस दाल पसंद है। कोई बात नहीं, जब तक काम लगा हुआ है तब तक दाल ही खाएंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, काम में ऐसे ही होता है कि चाय पानी देना होता है, खाना बनाना होता है तो होता ही है, क्योंकि हमारे घर में भी लगाना काम तब पता है, बहुत आफत आती है। शादी का ना अच्छी बात है मकान बना, बहुत कठिन है, क्योंकि जेठमा ने ना ये जो मकान है ना जेठमा और ताऊ जी ने मिलकर बनाया है, दोनों ने बनाया है। हाँ क्योंकि बाहर के जो भी मतलब लेबर होती है वो नहीं लगे, सिर्फ जेठमा और ताऊ जी ने ही बनाया। कमरा मुनाफ बने ने। हाँ चारों कमरा पंकज ने बनाया, इंच भी आप पंकज बना। हाँ भैया बना रहा है, तो जेठमा ने बहुत घर बना दिया, तोसी में भी यहाँ भी तोसी बना है, तीसरा घर यहाँ बनाया, अब तब अब लड़का बना रहे, अब हम अब तो ऊपर छत में बन रहे हैं, चार पांच कमरे। हाँ पांच कमरे बना रहे हैं। हाँ अब जेठमा उसके बाद कहाँ बनाएंगे? अब पता नहीं, अब भगवान जाने पता नहीं कहाँ बना रहे। तो जेठीमा ने यहाँ पे गर्मा गर्म लंच भी बना के तैयार कर दिया है, लंच में है चावल और राजमा दाल।